आज पूरा एफएमसीजी बास्केट जोरदार तेजी में, इनफैक्ट जुबिलेंट फूड आपका पुराना जो रिकमेंडेशन रहा है आज डे हाई पे एज वी स्पीक पहुंच गया है बातचीत बातचीत में ही। सो आपने इसमें से कुछ नहीं पिक किया क्या, कुछ मतलब ज्यादा ही सीवियर कंसर्न दिख रहे हो क्या आप मार्केट्स पे? नॉट एग्जैक्टली, एक्चुअली जुबिलेंट फूड मैंने सेव किया था सस्ता ऑप्शन के लिए, वहाँ पे मोमेंटम है। जैसे हमने लास्ट टाइम ही बात किया था कि 480 490 तक ये जाता है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 530 540 के भी लेवल्स आएंगे, तो ये इंटैक्ट ही है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है तो आई वॉज प्रिपेयरिंग दैट फॉर सस्ता ऑप्शन। चलिए तो इस पर आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन सो फार जुबिलेंट फूड आपकी स्क्रीन पर है एक एक स्पाइक के साथ डे हाई पे काम काज कर रहा है। आज कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक सबके सब तेजी में ट्रेड कर रहे हैं, फिर अकेले डिफेंसिव सारे जितने हैं वो सब तेजी में काम काज कर रहे हैं। आगे बातचीत करेंगे, लेकिन एक और डिफेंसिव कंपनीज के बहुत ही स्ट्रांग नंबर आए हैं उस पर बातचीत कर लेते हैं, वो है मैरिको। स्ट्रांग नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं और अच्छे नंबर्स के बीच में जहाँ पे कंपनी के आय 2% और मुनाफा 5% बढ़ा है, ईबिटा ग्रोथ करीब 12.5% रही है, मार्जिन भी 2% ज़्यादा बढ़े हैं। नंबर्स पे और ग्रोथ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO पवन अग्रवाल सर मौजूद हैं। पवन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो नंबर्स में Q4 की जो वॉल्यूम ग्रोथ रही है उसमें अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद थोड़ा सा फ्लैट रहे या ड्रॉप रहे, लेकिन नंबर्स में पिकअप है, तो क्या काम कर गया, क्या रूरल डिमांड पिकअप करके गई है जिसका इम्पैक्ट आप देख रहे हो वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर्स पे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। जहां तक वॉल्यूम ग्रोथ का सवाल है, अगर आप देखोगे तो एक इम्प्रूविंग ट्रैजेक्टरी हम देख रहे हैं। इस क्वार्टर में हमने 3% की वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करी इंडिया बिजनेस में, और इसमें ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये पिछले साल के 5% के बेस पे आई है, तो अगर 2 ईयर CAGR के बेसिस पे देखें तो लगभग 4% के आसपास है, जो कि इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट इज अ डिसेंट परफॉर्मेंस। व्हाट आई वुड से दैट गोइंग अहेड वी डेफिनेटली फील कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी और इम्प्रूव होगी। इनफैक्ट अगर रेवेन्यू ग्रोथ भी देखें तो इस क्वार्टर में पॉजिटिव हुई है, और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आगे जाते हुए अगले साल हम डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ भी दे पाएंगे। जहाँ तक रूरल डिमांड का सवाल है, वहाँ पर भी हमने एक इम्प्रूविंग ट्रैजेक्टरी देखी है। इनफैक्ट इस क्वार्टर में रूरल ग्रोथ वॉज स्लाइटली बेटर देन द अर्बन ग्रोथ, सो डेफिनेटली वहाँ पे एक अपटिक देखने को मिल रहा है, और आगे जाते हुए भी एक अच्छे मानसून की फोरकास्ट है, तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि रूरल की रिकवरी अब और मीनिंगफुल तरीके से निकल के आएगी। तो पवन सर, क्या जो रूरल की डिमांड है वो बेटर साइड पर आई है, क्योंकि पहले कुछ 2 क्वार्टर पहले ही हमने काफी प्रेशर देखा था रूरल डिमांड में, सो अब यहाँ क्या पिकअप वापस आना शुरू हुआ है? सो अगर रूरल क्वार्टर को आप देखो तो पिछले 4-5 क्वार्टर से ऑफकोर्स उसमें उसके डिमांड में स्ट्रेस था, बट एक ट्रैजेक्टरी इंप्रूव हो रही थी, तो पहले जिस तरह से डिक्लाइन हो रही थी धीरे धीरे वो इंप्रूवमेंट आ रही थी, और इस क्वार्टर में ग्रोथ डिलीवर करी, एंड दैट इज वेयर वी आर ड्रॉइंग कॉन्फिडेंस कि गोइंग अहेड रूरल शुड डेफिनेटली डू बेटर। एंड अगेन हम जैसे कि मैंने कहा कि मॉनसून की फोरकास्ट काफी डिसेंट है, इनफैक्ट शुड बी बेटर देन लॉन्ग 5-6 ईयर एवरेज, एंड देयरफॉर वी बिलीव दैट दैट शुड डेफिनेटली एड द कंजम्पशन ऑन द रूरल साइड। तो पवन सर, लास्ट क्वार्टर या लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में इनपुट कॉस्ट को लेकर काफी इम्पैक्ट था स्पेशली पैराशूट स्पेस में, तो अभी वहाँ क्या सिचुएशन है, क्या वहाँ पर अभी भी कंसर्न्स चल रहे हैं, क्या नंबर्स हैं वहाँ पे? जहाँ तक पैराशूट कोकोनट ऑयल का सवाल है, हमने अप्रॉक्सीमेटली 2.5% वॉल्यूम ग्रोथ दी है। सी इसमें इनफैक्ट नाउ जिसका की रॉ मटेरियल है विच इज कोपरा, उसमें हमने स्लाइटली इन्फ्लेशनरी ट्रेंड देखा है, अभी तक लास्ट वीक तक हमने डिफ्लेशन देखा था जिसकी वजह से हमने प्राइस कट भी लिए थे, और चूंकि वॉल्यूम ग्रोथ जबकि पॉजिटिव थी, रेवेन्यू ग्रोथ वॉज स्लाइटली बिहाइंड द वॉल्यूम ग्रोथ, बट अब हमने थोड़ा इन्फ्लेशन देखा है इसमें, लास्ट 1 मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 10% प्लस का उछाल आया है, और टिपिकली इन्फ्लेशनरी पीरियड में पैराशूट और बेहतर करता है, सो गोइंग अहेड वी डेफिनेटली बिलीव दैट पैराशूट की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी और इम्प्रूव होगी, बिकॉज इन्फ्लेशनरी पीरियड में हमारे मार्केट शेयर भी इम्प्रूव होते हैं, बिकॉज लोकल प्लेयर्स बिकॉज ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दे वैकेट द मार्केट, और उन सबका गेंस पैराशूट को आता है, सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर अस एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड दैट पैराशूट शुड ओनली इम्प्रूव फ्रॉम हियर। सर, पैराशूट के अलावा जो हेयर ऑयल स्पेस में वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, जो वैल्यू एडेड सेगमेंट्स हैं हेयर ऑयल के, वहां पर भी एक नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है, उसका क्या वजह है? तो अगर हम सारे पोर्टफोलियो की ग्रोथ की बात करें तो यू नो पैराशूट ने अच्छी डिलीवर करी है, सफोला भी मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिया है, फूड्स अगर आप देखें तो 25% प्लस ग्रोथ है, डिजिटल बिजनेस में भी सिग्निफिकेंट रैंप अप है, ओनली वैल्यू एडेड हेयर ऑयल एक ऐसा पोर्टफोलियो है जहां पर हमारी ग्रोथ नेगेटिव रही है, बट अगेन इट केम ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ 14%,
So from a 2 year CAGR perspective, it is still positive. But yes, this is something where the problem still is at a certain level. But इसमें भी इसके दो सेगमेंट में हमको देखना पड़ेगा. एक बॉटम ऑफ पिरामिड सेगमेंट है जहाँ पे एक बहुत हाइपर कॉम्पिटिशन है, वहां पर ज्यादा स्ट्रेस है. अगर मैं बॉटम ऑफ पिरामिड सेगमेंट को निकाल दूँ तो मिड और प्रीमियम सेगमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पे हमने ग्रोथ डिलीवर करी है. इनफैक्ट वहाँ हमने मार्केट शेयर भी गेन किया. सो प्रॉब्लम इज मोर बिकॉज ऑफ हाइपर कॉम्पिटेटिव एक्टिविटी एट द बॉटम ऑफ पिरामिड सेगमेंट. इसके अलावा अगर हम देखें तो वैल्यू एड हेयर ऑयल में भी ऐसा कोई सिग्निफिकेंट स्ट्रेस नहीं है. एंड डेफिनेटली गोइंग अहेड वी बिलीव दैट ट्रैजेक्टरी शुड डेफिनेटली इंप्रूव मीनिंगफुली. पवन सर, वैल्यू एडेड हेयर ऑयल सेगमेंट जो है उसमें प्राइसिंग पैटर्न फिलहाल क्या दिखाई पड़ रहा है? आप क्योंकि 25% के आसपास का वहाँ पे मार्केट शेयर कमांड करते हो और आप आने वाले समय में एक अच्छा एग्रेसिव एक्सपेंशन भी देख रहे हो, सो उस स्पेस को लेकर प्राइसिंग पैटर्न क्या है? तो सी अब क्या है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ कमोडिटी प्ले आउट. सी जियोपॉलिटिकल कंडीशंस कैसे प्ले आउट होंगी, उसका एक इंपैक्ट क्रूड पे होगा, क्रूड पे डेरिवेटिव्स पे होगा. सो प्राइसिंग विल ऑलवेज बी फंक्शन ऑफ हाउ द कमोडिटी प्लेज आउट. बट वी ऑलवेज बीन प्रोएक्टिव इन टर्म्स ऑफ, अगर कोई बेनिफिट होता है हम कंज्यूमर को पास ऑन करते हैं. अगर कोई कमोडिटी में हिट आता है तो उसका हम थोड़ा रुक करके प्राइस इंक्रीज लेते हैं, सो दैट यू नो कंज्यूमर को इमीडिएट इंपैक्ट नहीं जाए. सो इट्स ऑल अ फंक्शन ऑफ दैट. सो विल सी एस टू हाउ इट प्लेज आउट व्हेन यू मूव इनटू FY25. क्या कुछ प्राइस हाइक है क्या इस स्पेस के अंदर? ये वैल्यू एडेड हेयर ऑयल स्पेस जो है इसमें कुछ प्राइस हाइक भी उम्मीद लगाकर चले हम आने वाले समय में? वैल्यू एडेड हेयर ऑयल में हमने कुछ मार्जिनल प्राइस इंक्रीज नहीं है. इनफैक्ट पिछले साल में अगर हम देखें तो हमने कई वो श्रिंकफ्लेशन जो कहते हैं हमने एमलेज वगैरह ड्रॉप लिया था जहां पर डिफ्लेशन दिखाई दिया था. लेकिन गोइंग अहेड यू नो होगा भी तो बहुत मार्जिनल प्राइस इंक्रीज. आई डोंट सी टेकिंग अ मीनिंगफुल प्राइस इंक्रीज इन वैल्यू एडेड हेयर ऑयल. और बाकी आपका फूड स्पेस, क्योंकि वहां पर क्या सिचुएशन है? इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो वहां पर भी था लेकिन कुछ हद तक ईज आउट हुआ है, सो अभी क्या सिचुएशन है फूड स्पेस को लेकर? No, foods in fact has really done well. We've delivered about 25% ke aaspas growth deliver kari humne. Aur agar aap dekhe to foods jo FY20 pe ek certain level pe uska 4x ho chuka hai in the last 4 years. And what we are also aiming is in the next 3 years we should in fact make foods 2x of the current scale also. So foods mein both organically and inorganically growth kafi achhi rahi hai. And in fact saath hi saath humne is saal foods ke gross margin mein bhi significant expansion liya hai. So approximately 800 basis points foods ka gross margin bhi bada. So now foods is becoming a profitable business with a meaningful in the next few years. और क्या जो सिचुएशन है इसके हिसाब से, मतलब कंपटीशन क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रहा है आपके सारे सेगमेंट्स के अंदर, सो कुछ इश्यूज आ रहे हैं क्या मार्जिन को लेकर या एडवर्टीजमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, ऐसा कुछ सिनेरियो? See, first of all, आप अगर हमारा पोर्टफोलियो देखोगे तो अप्रॉक्सिमेटली 90% ऑफ द पोर्टफोलियो में हम नंबर वन या नंबर टू हैं. 95% ऑफ द पोर्टफोलियो इज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग. सो जब भी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ती है तो इट्स बेसिकली इंपैक्ट्स मोर यू नंबर टू नंबर थ्री प्लेयर्स एंड नॉट रियली द डोमिनेंट मार्केट लीडर. तो अगर मैं कोकोनट ऑयल की बात करूँ तो हमारा 60% प्लस मार्केट शेयर है. अगर हम वैल्यू एडेड ऑयल की बात करें तो अप्रॉक्सिमेटली 37-38% मार्केट शेयर है. सिंगल एडिबल ऑयल में भी हमारा प्रीमियम एडिबल ऑयल में 75-80% मार्केट शेयर है. तो वहाँ पर हमारी डोमिनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है. बट हैविंग सेड दैट, इन सर्टेन पॉकेट्स जैसे वैल्यू एडेड ऑयल में बॉटम ऑफ पिरामिड में कॉम्पिटिशन ज्यादा है तो वहाँ पर ऑफकोर्स थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है. बट इन केस में हम क्या करते हैं कि ऑफकोर्स वी डायल अप द कम्युनिकेशन टू द कंज्यूमर. वी ऑल्सो लुक एट हाउ कैन वी बेनिफिट द कंज्यूमर फ्रॉम प्राइसिंग और एमएलएच परस्पेक्टिव. सो इट्स अ कम्प्लीटली होलिस्टिक अप्रोच दैट वी टेक so as to ensure that competition doesn't really impact us significantly. Jaisa ki maine kaha, kyunki hamari dominance bahut strong hai sari categories mein, so competition ka koi major impact nahi aata hai. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए. और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बढ़िया नंबर्स आपने पोस्ट किया है, उस नंबर्स का रिएक्शन ही मार्केट दे रहा है. 10% ऊपर मैरिको का स्टॉक सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है. शिल्पा मैम, मैरिको 10% की तेजी, एक बहुत समय बाद इसमें इस तरह की तेजी आई है, कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? जी, अनडाउटेडली यहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रैली है. यहाँ पे 640 के लिए इवेंचुअली स्टॉक मूव कर रहा है. बट यहाँ पे फ्रेश किसी को हम लोग पोजीशंस के लिए आज नहीं बोल सकते. जिसने कल से लिया है देन दैट दे आर आई मीन गेनिंग वेरी नाइसली. अभी के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा. 600 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आप यहाँ पे 640 के लिए जाएंगे. अदरवाइज थोड़ा डिप मिले टूवर्ड्स 580-570 देन प्रोबेबली अगेन न्यू बाय. तो अभी के लिए तो आप
थोड़ा डिप मिले तो आप इसका इस्तेमाल करें, लेकिन हाँ ये बात सही है कि आज जोरदार तेजी में मेरिको का स्टॉक काम काज कर रहा है, पूरा एफएमसीजी तेजी में है, उसमें उसका टेलविंड भी यहाँ पे मेरिको को मिल गया है। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले शिल्पा मैम ने ही आपको कल कमाई के अड्डे में केनरा बैंक की एक पुट दी थी 580 की, 17 रुपये के करीब खरीदने की यहाँ पर राय दी गई थी, और इसके 22 से 26 रुपये के टारगेट थे, आपकी स्क्रीन पर ही है, आप 24.5 रुपये का दाम देख रहे हैं, तो टारगेट्स तो अचीव हो ही चुके हैं। और इसी तरह के कुछ और ऑप्शंस उम्मीद करते हैं कॉल साइड पर, शिल्पा मैम से हम लेंगे छोटे से ब्रेक की उस तरफ।